गर्मियों में कलरफुल ड्रिंक्स और अलग अलग फ्लेवर की ड्रिंक्स का मज़ा लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज हम बनाने वाले हैं पिंक लीची लेमनेड। लोग नॉर्मली लीची ड्रिंक को पिंक करने के लिए रूह अफ़ज़ा या रोज़ सिरप डालते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे पहले लीची सिरप और उसके बाद बनाएंगे हम लीची लेमनेड। लीची लेमनेड बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। लेमनेड बनाने के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए वो है लीची। ये 500 ग्राम लीची है, चीनी, मिंट लीव्स, लेमन स्लाइसेस और ये है पिंक फूड कलर। ये आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा और इसका प्राइस है सिर्फ 25 रुपीज़ और इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगते। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये है लीची फ्लेवर का इमर्शन, इसे लीची एसेंस भी कहा जाता है। इसे भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है और इसका प्राइस है सिर्फ 30 रुपीज़। मैं इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आजकल लीची का सीज़न है तो लीची की ड्रिंक्स तो बनाना बनता ही है। सबसे पहले हम लीची को छील लेते हैं। अच्छे से वॉश कर ली है लीची मैंने पहले और इसका हम गीटक जो है ये अलग कर देते हैं। इसी तरीके से सारी लीची छील लेंगे हम और इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम सिरप रेडी कर लेते हैं। एक पैन में लेंगे हम 2 कप चीनी और हम लेंगे 1.5 कप पानी। आप घर की कोई कटोरी या ग्लास भी सेट कर सकते हैं और जितनी चीनी है उससे थोड़ा कम पानी लेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे, स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, नहीं तो चीनी जल जाएगी। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी और इसमें बॉईल आने लग जाएगा इसमें हम डाल देंगे 1 नींबू। इससे चीनी साफ़ भी हो जाती है और जब हम इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं तो चीनी क्रिस्टलाइज भी नहीं होती। देखिए सिरप हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक बोल में हम रखेंगे स्ट्रेनर और जो ये सिरप ठंडा हो गया है इसे हम छान लेंगे। इसमें हम डालेंगे लीची इमर्शन, 3 से 4 ड्रॉप्स डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने पिंक फूड कलर लिया है वो भी हम 4 से 5 ड्रॉप डालेंगे। अगर हमें थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि इसका कलर अच्छा डार्क हो जाए। देखिए हमारा लीची सिरप एकदम रेडी है, कितना प्यारा लग रहा है ये लीची सिरप देखिए और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। इसको हमने छाना हुआ है इसलिए हम इसे बॉटल में भरकर स्टोर कर देंगे। हम इसे 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बस ये जो बॉटल है वो कांच की होनी चाहिए और एकदम सूखी होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए पहले से इसके अंदर, तो ये ख़राब नहीं होगा। अब हम एक ग्लास लेंगे और जो हमने लीची छील के फ्रिज में रखी थी वो हम ले लेंगे, इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे 4 लेमन स्लाइसेस और थोड़े से मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्ते। फिर एक मडलर की हेल्प से हम इसे अच्छे से मडल कर देंगे ताकि इसका सारा फ्लेवर इस जूस में आ जाए। अब हम एक खाली ग्लास लेंगे और एक स्ट्रेनर लेंगे और इसे हम छान लेंगे ताकि जो जूस है वो सब ग्लास में आ जाए। और एक चम्मच की हेल्प से अच्छे से दबाएंगे हम इसे ताकि सारे फ्लेवर इस जूस में आ जाए। अब हम एक टॉल ग्लास लेंगे, उसमें जो हमने जूस रेडी किया था वो डाल देंगे। फिर जो हमने सिरप रेडी किया था लीची का वो हम डाल देंगे 1-1 चम्मच। इससे इसका कलर भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। थोड़ी थोड़ी आइस डाल देंगे, 1 लेमन स्लाइस डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे हम स्प्राइट। आप इसमें सोडा या लिमका भी डाल सकते हैं। देखिए कितना प्यारा पिंक कलर का लीची लेमनेड लग रहा है और उसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी है। अगर आप सोडा यूज़ कर रहे हैं तो जो हमने सिरप रेडी किया था वो थोड़ा एक्स्ट्रा डालें क्योंकि सोडा मीठा नहीं होता। और 1-1 पुदीना के स्टिक से हम इसे गार्निश कर देंगे और एक लीची को बीच में से काट के हम इस तरीके से लगा देंगे। ठंडा ठंडा पिंक लीची लेमनेड सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखने में जितना प्यारा लग रहा है पीने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। जब आपके घर गेस्ट आएँ तो आप इसे सर्व कीजिए, गेस्ट इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।